टीआरपीज में बाघ टीआरपी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वीक 23 की बाघ टीआरपी में कौन से आउट ऑफ 20 शोज जिनको की ऑडियंस का सबसे ज्यादा प्यार मिला है। नंबर 20 पर इस हफ्ते आया है स्टार प्लस का सीरियल मेहंदी है रचने वाली, जिसने हासिल किया 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। साई केतन राव शिवांगी खेडकर स्टारर इस शो ने इस हफ्ते काफी अच्छा किया है। लास्ट वीक यह सीरियल टॉप 20 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाया था। नंबर 19 पर आया है कलर्स का सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जिसने हासिल किया 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 17 पर था। नंबर 18 पर आया कलर्स का ही सीरियल बैरिस्टर बाबू, जिसने भी हासिल किया 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। बैरिस्टर बाबू सीरियल भी बाघ टीआरपी में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 16 पर था। नंबर 17 पर आया है सब टीवी का सीरियल बागले की दुनिया, जिसने भी हासिल किया 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। हालांकि इन शोज की रेटिंग्स एक हैं, परंतु इंप्रेशंस कुछ शोज के ज्यादा हैं। लास्ट वीक बागले की दुनिया सीरियल नंबर 18 पर था। नंबर 16 पर आया है कलर्स का सीरियल मुलक्की, जिसने हासिल किया 1.2 रेटिंग पॉइंट्स। मुलक्की सीरियल ऑनलाइन टीआरपी में अच्छा नहीं कर पा रहा है, परंतु बाघ टीआरपी में शो ने अच्छा किया है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 15 पर था। नंबर 15 पर इस हफ्ते आया है कलर्स का सीरियल छोटी सरदारनी, जिसने हासिल किया 1.3 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो ऑनलाइन टीआरपी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परंतु बाघ टीआरपी में शो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 16 पर था। नंबर 14 पर आया है जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य, जिसने हासिल किया 1.3 रेटिंग पॉइंट्स। शो टीआरपी में पहले की तरह अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मेकर्स ने इस शो में काफी चेंजेस किए हैं। लास्ट वीक भी कुमकुम भाग्य सीरियल नंबर 14 पर ही था। नंबर 13 पर आया है कलर्स का सीरियल उड़ारियां, जिसने हासिल किया 1.4 रेटिंग पॉइंट्स। उड़ारियां सीरियल भी बाघ टीआरपी में काफी अच्छा कर रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 13 पर था। नंबर 12 पर आया है कलर्स का शो डांस दीवाने सीजन 3, जिसने हासिल किया 1.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो कलर्स का नंबर 1 शो बना है। लास्ट वीक भी यह सीरियल नंबर 12 पर ही था। नंबर 11 पर आया है जी टीवी का सीरियल कुंडली भाग्य, जिसने हासिल किया 1.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो इस हफ्ते जी टीवी का नंबर 1 शो बना है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 10 पर था। नंबर 10 पर इस हफ्ते आया है स्टार प्लस का सीरियल पंडिया स्टोर, जिसने हासिल किया 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। पंडिया स्टोर ऑनलाइन टीआरपी में भले ही अच्छा ना कर पा रहा हो, पर दुबाक टीआरपी में इस शो का परफॉर्म काफी अच्छा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 11 पर था। नंबर 9 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल साथ निभाना साथिया 2, जिसने हासिल किया 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। साथिया सीरियल भी लगातार बाघ टीआरपी में अच्छा करते आया है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 8 पर था। नंबर 8 पर इस हफ्ते आया है स्टार प्लस का सीरियल ये है चाहते, जिसने हासिल किया 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। इस शो में भी मेकर्स ने काफी बदलाव किए हैं। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 9 पर आया था। नंबर 7 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने भी हासिल किया 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। ये शो भी लगातार दोनों तरह की टीआरपी में काफी अच्छा करते आया है। लास्ट वीक भी यह सीरियल नंबर 7 पर ही था। नंबर 6 पर इस हफ्ते आया है सोनी टीवी का शो इंडियन आइडल, जिसने हासिल किया 2.7 रेटिंग पॉइंट्स। शो बाघ टीआरपी में लगातार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 5 पर था। नंबर 5 पर इस हफ्ते आया है सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने हासिल किया 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह कॉमेडी शो लगातार दोनों तरह की टीआरपी में अच्छा करते आया है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 6 पर था। नंबर 4 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल इमली, जिसने हासिल किया 2.9 रेटिंग पॉइंट्स। इमली सीरियल का परफॉर्म भी दोनों तरह की टीआरपी में काफी अच्छा आ रहा है। लास्ट वीक यह सीरियल नंबर 2 पर आया था। नंबर 3 पर इस हफ्ते आया है सोनी टीवी का शो सुपर डांसर चैप्टर 4, जिसने हासिल किया 3.0 रेटिंग पॉइंट्स। शो बाघ टीआरपी में बेहद ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जिसने हासिल किया 3.1 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी दोनों तरह की टीआरपी में लगातार काफी अच्छा कर रहा है। ऑनलाइन टीआरपी में भी इस शो ने नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है। नंबर 1 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा, जिसने हासिल किया 3.6 रेटिंग पॉइंट्स। अनुपमा सीरियल का कब्जा ऑनलाइन टीआरपी में तो है ही, परंतु बाघ टीआरपी में भी नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। शो का बेहतरीन परफॉर्म लगातार जारी है। तो इस वीक 23 के बाघ टीआरपी के टॉप 20 शोज, अगले हफ्ते कौन सा शो बन सकता है नंबर 1, अपनी राय दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।